अपने हाल ही के म्यूजिक पोस्टर में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल एक बहुत ही रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत दूर जा चुके हैं और हो चुके हैं एक दूसरे के प्यार में। आपको बता दें, ये म्यूजिकल पोस्टर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और बहुत से ऐसे फैंस हैं जो शेयर कर रहे हैं उन्हें दरकार है 25 नवंबर का, जब ये गाना शोना शोना रिलीज होगा। वहीं इसी बीच एक तस्वीर आई है बिग बॉस 14 को लेकर और एक खबर निकल के आई है। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर में हाल फिलहाल में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन सलमान खान भाईजान को लेकर एक खबर हाल ही में सामने आई थी। उनका ड्राइवर कोविड पॉजिटिव हो गया है, जिसके कारण उन्हें भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। 14 दिनों के लिए अपने घर में क्वारंटाइन हो गए हैं सलमान खान, जिसके चलते असर पड़ा है वीकेंड वार के टीआरपी पर। आपको बता दें कि वीकेंड वार की जो टीआरपी अक्सर आया करती थी वो फिलहाल नहीं आ रही है, क्योंकि लास्ट टाइम एकता कपूर ने इम्यूनिटी दी थी रूबीना को और जान कुमार शानू को घर से एविक्ट होते हुए देखा गया था। अगर संडे की बात करें तो इस संडे को और भी कई चीज़ें सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहीं, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का आने वाला गाना शोना शोना। उसके पोस्टर को लेकर लगातार लोग इंतज़ार में थे और जैसे ही पोस्टर आया, आपको बता दें शहनाज तो चर्चाओं में रहती ही है, इस बार सिद्धार्थ शुक्ला टॉप ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी में आए ट्विटर की। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला को पसंद करने वाले फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है। इस संडे को तो ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी में ट्विटर पर सिद्धार्थ शुक्ला बने रहे। अभी इसी के चलते बिग बॉस के मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है कि इस हफ्ते के वीकेंड वॉर में आपको सिद्धार्थ शुक्ला नज़र आएंगे। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि इस संडे को आपको सलमान खान की भी झलक घर में देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ शहनाज को लेकर अभी भी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन ये साफ हो गया है कि जिस तरह से एक टॉप ट्रेंडिंग पसंद सेलिब्रिटी में बने हुए हैं सिद्धार्थ शुक्ला, तो इस वीकेंड के वॉर में आपको सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 14 के घर में नज़र आने वाले हैं। आप सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और इस तरह की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप तक पहुंचता रहे हर ताज़ा अपडेट।